आप देख रहे हैं कुबेर भूमि, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। गंडई पंडरिया, गंडई के ग्राम पंचायत देवपुरा में लगभग 8 लाख की लागत से मनरेगा के तहत कार्य चल रहा है, मगर इस योजना के तहत काम कर रहे ग्रामीणों को खुद नहीं पता कि इस योजना में क्या क्या काम करना है, कितना गहराई करना है, लंबाई चौड़ाई सहित लागत राशि में के बारे में गांव वालों को कुछ भी पता नहीं होने की जानकारी ग्रामीण खुद दे रहे हैं। वहीं ग्रामीणों को यह भी आरोप है कि पंचायत में पदस्थ रोजगार सहायक बीरबल खुशरो का महीनों महीनों तक पता नहीं रहता और रोजगार गारंटी में चल रहे कार्यस्थल में भी वो उपस्थित नहीं रहते। कुछ भी काम बोलने पर डिमांड की मांग करने की शिकायत ग्रामीण खुलकर बोल रहे हैं। लगभग सुबह 9 बजे ग्राम देवपुरा के ग्रामीण ने गंडई प्रेस क्लब के सदस्य को फोन कर बताया कि हमारे ग्राम में रोजगार गारंटी के तहत तालाब गहरीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा तालाब के पार को घेर लिया गया, घेरा हटाने बोल रहे हैं तो विवाद स्थिति आ रही है, जिस पर प्रेस क्लब गंडई के सदस्यों ने जाकर ग्रामीणों और अतिक्रमण किए गए व्यक्ति की बातों को सुनकर दोनों के बीच समझौता कराया। विदित हो कि ग्रामीणों का कहना है कि नियम अनुसार कृष्णागिरी के मकान के साथ में तालाब का पार बनाया जाना चाहिए। उक्त तालाब के पार को दौलतगिरी के ने घेर लिया है, वहीं कुंतीगिरी ने भी तालाब का कुछ जगह घेर कर रखा है, जिससे वे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पूरे मामले पर दौलतगिरी समझौता करने के पक्ष में नहीं था, लेकिन गंडई प्रेस क्लब के पत्रकारों के द्वारा समझाए जाने पर ग्रामीणों और उक्त व्यक्ति द्वारा बीच का रास्ता निकाला गया और मामला शांत हुआ। विवाद यह था कि ये जो सामने जो मेड़ बना है ना, वो सीधा नहीं आ रहे थे। इन लोगों के बीच क्या बात हुए थे, कैसा हुआ था ये पता नहीं। 21 तारीख से आज तक का यह गोदी चले आ रहे हैं चलते, लेकिन रोजाना रोज यही बात पर ना बहुत विवाद चलत रही से। जिन हाँ सरपंच मन बोले कुछ हो और इखर भी दोनों जाके करे कुछ हो। रोजगार सहायक कब से नहीं आया? रोजगार सहायक 21 तारीख से जब से गोदी चालू हो है तब से आज तक हमन कोनो देखे नहीं है। आप मतलब पता है कतेक के काम है? हमन लग कोई एक बारे में जानकारी नहीं है। जब पूछता हमन बोलता ना कुछ तो मन बोलते तुम मतलब गोदी खाने से मतलब गोदी काम करने वाला रोजगार सहायक सरपंच सचिव को बताए कहाँ कहाँ तक के काम करना है? बारे में कोई जानकारी नहीं दे। रोजगार सहायक कौन है अभी तक के यहाँ? रोजगार सहायक है बीरबल कोदवा से। जब तक मनरेगा भी जहाँ तक हम खाना था मनरेगा के जो कार्यक्रम में रोजगार गारंटी में, वहाँ तक एक भी दिन रोजगार सहायक न सरपंच न पंच कोई हमला एक बूंद सूचना नहीं दी आज तक। अभी विवाद की स्थिति मगर विवाद नहीं सुलझित, का करूँ? विवाद नहीं सुलझी तो बात आगे तक सही स्थिति में जाना चाहिए, यही अपन मन के गाँव वाले के। आप मन के मांग का है? हमार मांग यही रही कि ये सीधा मेड बने और सरकारी जमीन में माटी रहना चाहिए। माटी जो डले सीधा मेड नहीं बनी तो का करूँ? माटी नहीं बनी सही, अगर मेड़ नहीं जमी तो आगे तक बात जहाँ तक जाना चाहिए वहाँ तक जाना चाहिए। नाम बताओ। विवाद की स्थिति कौन निर्मित कर रहे थे? विवाद की स्थिति घर वाले और कुछ कुछ यहाँ पदाधिकारी लोग मन भी साथ दे थे। घर वाले का नाम क्या है? घर वाले का नाम हम लल्ला पता नहीं, वो अभी अभी नया नया आए जमीन ले गए। दौलतगीर नाम बताते हो बाहर से आए, रायपुर से बताते आए करके और यहाँ इस बात की विवाद की स्थिति। अपन नाम बताओ। अपन नाम? मेरा नाम है नागेश्वर साहू, मैं यही ग्राम पंचायत देवपुरा का निवासी हूँ। विवाद था वो सुलझ गया है। किस बात को लेकर के विवाद किया जा रहा था? वो सामने बाउंड्री था है ना, तो उसी के लिए। मनरेगा के तहत कितना काम है ये? छह से सात लाख। रोजगार सहायक कहाँ है अभी? कार्यस्थल में नजर नहीं आ रहे रोजगार सहायक? अभी तो वो छुट्टी में है। गांव वाले की शिकायत है कि रोजगार सहायक अभी तक नहीं यहाँ पर नहीं दिखे हैं एक भी दिन। आए थे दो तीन दिन से, आए थे एक दिन भी रोजगार सहायक हम सकल नहीं देखे। आपके सामने गांव वाले शिकायत कर रहे हैं रोजगार सहायक एक भी दिन आया नहीं है, क्या काम चल रहे हैं उनको कोई मतलब नहीं है। आप सरपंच प्रतिनिधि हैं, क्या चीज का छुट्टी? तबियत खराब है। ऐसे विवाद की स्थिति में पंचायत के पंच सरपंच सचिव और रोजगार सहायक सबको रहना चाहिए, ये जिम्मेदारी बनता है उनका। आपका क्या कहना है इसमें? नाम पद बता देंगे। नाम और पद मेरा? हाँ, मैं ग्राम पंचायत देवपुरा सरपंच प्रतिनिधि। भैया जैन विवाद अभी रही से वह का है अभी आप मन के तरफ से?
सर अब बस्ती वाले विभाजित कर रहे थे, अब मेरे को बस्ती में रहना है और बस्ती वाले के खिलाफ तो नहीं जा सकते सर। अब उनको जो सही लगता है, उचित लगता है तो मेरे को भी देख ले। गलती से मैं ले लिया था जमीन को, घेरा लगाया था, अब उस बीच में बेचने वाला भी बेच दिया और मैं फंस गया हूँ सर। बस्ती वाले विवादित कर रहे हैं। अभी आप कोई आपत्ति नहीं है आपके डहर ले? अब आपत्ति नहीं है सर, अब सुलझ गया है। जैसे भी है वो लोग समझ के, अपना समझ के, उनके गांव में मेरे को रहना है, उस हिसाब से अपना रास्ता नहीं। तो आप संतुष्ट हैं अभी के फैसले? संतुष्ट हूँ सर। नाम बता देना। मेरा नाम दौलतगिरी गोस्वामी है, रायपुर से आया हूँ मैं और यहाँ जमीन लेके बस गया था सर। मेरे को 1.5 साल हो गया यहाँ बने। ये जमीन किसके नाम में? जमीन, एक जमीन रामू गिरी के नाम से है और दूसरा प्लाट रामायण गिरी के नाम से है। उस जमीन को चिंता लिया था, मैं चिंता से खरीदा था और जितना घेरा था उसमें मैं लगाया था। बस्ती वाले ऑब्जेक्शन किए हैं तो मेरे को जितना छोड़ने बोले हैं मैं छोड़ दिया।